दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो साइड का ये मिरर होता है कार का, ये हमें किस प्रकार से सेटिंग करना चाहिए। आपको लगेगा कि सेटिंग करने में कुछ भी नहीं है, एकदम आसानी से हम सेटिंग कर देंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपका ये साइड का मिरर अच्छे से सेटिंग नहीं है तो आप पीछे की गाड़ी को जज नहीं कर सकते, आपको गाड़ी चलाने में बहुत ही दिक्कत होती है। आज मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा कि आपको प्रॉपर तरीके से, टेक्निकल तरीके से किस तरह से आपको मिरर को सेटिंग करना होता है। दोस्तों ये वीडियो पे लास्ट तक आप बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सेट करना है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपका मिरर चाहे राइट साइड का हो, चाहे तो आपका लेफ्ट साइड का हो, या तो आपका ये बैक साइड का मिरर हो, मिरर एकदम प्रॉपर तरीके से ही सेटिंग करके रखना चाहिए। जैसे कि देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं यहाँ से देखूँगा तो ये मिरर में देखिए जो पीछे ऑटो खड़ी है और गाड़ियाँ खड़ी है, मेरा जो टिशू पेपर का बॉक्स है वो भी दिख रहा है और पीछे की गाड़ी भी एकदम बराबर दिख रही है। इससे हमें पीछे की गाड़ी आने वाली समझ में आती है कि कितनी दूरी पर आ रही है और उसकी कितनी स्पीड हो सकती है, अनुमान हम यहाँ से थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। और दोस्तों लेफ्ट साइड का जो मिरर है, यहाँ से भी हमें देखिए गाड़ी का जो मिरर है वो हमें किस प्रकार से दिख रहा है, थोड़ी सी अपनी गाड़ी दिख रही है और बाकी पीछे जो रेड कलर की गाड़ी खड़ी है वो भी दिख रही है गाड़ी। दोस्तों अब ये मिरर हमें सेटिंग कैसे करना होता है हम राइट साइड में आपको दिखाते हैं। जैसे कि राइट साइड में अगर आप मिरर सेटिंग करोगे उसी प्रकार से लेफ्ट साइड का भी सेटिंग है, आप देख सकते हो यहाँ से कि हल्की सी अपनी गाड़ी दिख रही है और बाकी पीछे की गाड़ी दिख रही है, ऐसे ही आपको सेटिंग करना होता है। और जो गाड़ी का जो लेफ्ट साइड का जो गाड़ी वो रेड कलर की खड़ी है उसका टॉप आप देख रहे हो तो वो ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन नीचे साइड का थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। देखिए इस प्रकार से देखिए टायर तक उसका दिख रहा है लेकिन टॉप के ऊपर नहीं दिख रहा है, झाड़ी है थोड़ी सी लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं दिख रहा है। इसी प्रकार से आपको मिरर सेट करना होता है। अब ये सेटिंग करने का तरीका क्या है राइट साइड में हम देखते हैं। जैसा कि दोस्तों देखिए ये जो राइट साइड का मिरर है आपको इस प्रकार से सेटिंग करना है। देखिए राइट का जैसे कि अब यहाँ से हम सेटिंग करते हैं बटन से, ये इसका नोब लगा हुआ है, लेफ्ट का करना है तो लेफ्ट का हम करेंगे, राइट का करना है तो राइट का, ये मैं आपको राइट का करके दिखाता हूँ। इसी प्रकार से आपको लेफ्ट साइड का भी करना होता है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ से ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठा हूँ तो मेरी नज़र यहाँ से देख रही है, इस प्रकार से आपको देखना है इसमें। और इस नोब को देखिए इस प्रकार से हमें सेटिंग नहीं करना है कि देखिए गाड़ी अपनी नहीं दिख रही है, लेकिन हमें इस प्रकार से सेटिंग यहाँ करना होता है। देखिए अब इतनी अपनी गाड़ी भी ज़्यादा इतनी गाड़ी नहीं दिखनी चाहिए। देखिए अब देखिए एकदम बराबर है, 20% जो अपना मिरर है उसमें अपनी गाड़ी दिखनी चाहिए, 20% जो मिरर का पूरा एरिया है उसमें 20% में अपनी गाड़ी थोड़ी सी दिखनी चाहिए और बाकी जो राइट साइड में 80% बचा है उसमें आपका रोड दिखना चाहिए। दोस्तों 80% में रोड, 20% में आपकी गाड़ी की बॉडी दिखनी चाहिए थोड़ी सी। ये तो हो गया लेफ्ट और राइट का सेटिंग करने का, अप एंड डाउन का कैसे करना है, ऊपर और नीचे का वो भी आप देख लो। ये देखिए 40% ऊपर होना चाहिए, ऊपर का 40% और 60% नीचे एक तरफ झुकाव होना चाहिए मिरर का, क्योंकि दोस्तों अपना रोड पर जैसे देखो गाड़ी जो आ रही है, ऑटो आ रही है, कोई भी गाड़ी आती है, हमें वो रोड पे पूरा प्रॉपर दिख रही है और काफ़ी दूर तक दिख रही है। और जो रोड के ऊपर जो आसमान दिख रहे हैं, झाड़ दिख रहे हैं, वो हमें 40% में ही दिखने चाहिए और 60% में हमें नीचे का रोड दिखना चाहिए। देखिए इस प्रकार से दिख रही है आपको, 20% में लेफ्ट साइड में मेरी कार दिख रही है, 80% में रोड दिख रहा है और ऊपर के साइड में 40% में आसमान दिख रहे हैं या झाड़ दिख रहे हैं और 60% में रोड दिख रहा है। इस प्रकार से आपको मिरर को सेट करना चाहिए। देखिए किस तरह से कितना बढ़िया जजमेंट यहाँ से मिल रहा है कि जो कि पीछे से गाड़ियाँ आ रही है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया है किस तरह से मिरर को सेट कर लेना चाहिए अच्छे से ड्राइविंग करने के टाइम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।